ये देखिए गाइस, जो रेडी है उसको लेंगे। वो देखिए। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इन दिस व्लॉग हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारी स्ट्रॉबेरीज बड़ी हुई हो चुकी है। जी हाँ गाइस, ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज अच्छी बड़ी हो गई हैं। अब इसमें से जो रेडी है हम उसको निकालेंगे खाने के लिए, और ये और जो खराब हो चुकी हैं वो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिएगा है जो रेडी है उसको। अभी ये प्लांट हमारा एक ही है, यहाँ प्लांट को भी अलग अलग बनाएंगे, इसकी फ्रूट्स को और फिर लगाएंगे। ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज इतनी क्यूट है। और ये अभी रहती है, ये पक्के क्योंकि अभी तक अभी ये रेडी नहीं है। और एक वो देखिए वहाँ पे, देखिए स्ट्रॉबेरीज आती कैसे है। ये होता है इसका छोटा सा फ्लावर, इसमें से ये जो ग्रो होती है, ग्रो होती है, फिर ये ये देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, अभी ये ग्रो होंगे और फिर ये इस शक्ल में आती है, फिर ये इस फॉर्म में आती है, फिर ये रेडी हो जाती है, फाइनली ये इस फॉर्म में आ जाती है। और वो देखिए वहाँ पे एक और रेडी हो रही है, ये देखिए इट्स नॉट रेडी येट, अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुई है। तो किसी हमको स्ट्रॉबेरी अभी तक सालों बाद उगती है। इसकी जो मेन सीजन है वो हाँ मई और जून होती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। गाइस अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ इसको, मीठी या ऐसी देखते हैं। जैसे बहुत अच्छी है, स्वीट है, स्वीट है, अली को भी दो। असल में हम लोगों के पास अभी सिर्फ तीन ही रेडी हैं स्ट्रॉबेरी, और ये हम लोगों की होम गार्डन की है, होम गार्डन की और थोड़ी खट्टी भी है। हाँ मतलब वो स्ट्रॉबेरीज वैसे भी बहुत अच्छी है। हाँ इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, खट्टी और मीठी होती है। और ये माशाल्लाह इसका कलर देखें, इतना प्यारा है इसका कलर। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? और अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। मिलते अगले व्लॉग में, जब तक बाय बाय।